दोस्तों, मैं आपके शरीर की सभी बीमारी दूर करेंगे, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। तो मेरे भाई, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अंत तक देखेंगे तो सभी जानकारी मिलेगी, बीमारी से दूर रहें। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, चरख की बीमारी क्यों होता है शरीर में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि आप तक जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है गलत खाना खाने के कारण दही मछली एक साथ कभी खा लेते हैं भूल चूक से हम लोग, तो चरख की बीमारी हो जाती है। और ज़्यादा दही मछली खाने से एक साथ दाद, खाज, खुजली की बीमारी और एक्जिमा भी होती है। सवाल नंबर 2, दाद, खाज, खुजली कैसे तुरंत ठीक होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि आप तक डायरेक्ट जानकारी जो है डॉक्टरी वाला मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है नारियल तेल 100 ग्राम, उसमें 10 गोली कपूर मिलाकर धूप में 1 से 2 घंटा रख दें पूरा मिक्स करके। उसके बाद में लगाने से सुबह शाम दाद, खाज, खुजली मिट जाता है, और कंदा, कोहरा, बैंगन जीवन में भूल करके भी नहीं खाना पड़ेगा। नहीं तो जो लोग ये सब कंदा, कोहरा, बैंगन खाएंगे उनको बीमारी कभी नहीं दाद, खाज, खुजली की मिटेगी। सवाल नंबर 3, मिर्गी की बीमारी कैसे होता है और कैसे ठीक होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि आप तक डायरेक्ट जानकारी मिलती रहेगी और बीमारी मिटती रहेगी। दोस्तों, इसका सही आंसर है खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मिर्गी की बीमारी होती है। और जो लोग त्रिफाला का चूर्ण खाना खाने के बाद में रात में नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को इस सब बीमारी लगती है। तो त्रिफाला का चूर्ण जरूर खाएं और मिर्गी की बीमारी हमेशा के लिए मिटाएं। दोस्तों, सवाल नंबर 4, पेड़ पौधा के प्रदूषण से कौन बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है तुरंत? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आप तक जानकारी जो है डॉक्टरी वाला मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है कोई कोई ऐसा जंगली लकड़ी होता है उससे सबसे पहले लकवा की बीमारी होती है, इसीलिए सब्जी में सभी मसाला डाल करके बनाना चाहिए तब खाना चाहिए, और लहसुन जरूर डालें और प्याज, जो लोग नहीं डालते हैं उन्हीं को बीमारी लगती है। सवाल नंबर 5, जैंडिस की बीमारी गर्मियों में क्यों होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि आप तक जानकारी जो है डायरेक्ट मिलती रहेगी और बीमारी मिटती रहेगी। दोस्तों, इसका सही आंसर है एक तो अंडा गर्मी के मौसम में नहीं खाना चाहिए, और मन कर दिया खाने को तो एक अंडा बनाएं और खाएं, लेकिन उसमें नींबू निचोड़ करके खाएं। नींबू नहीं डालने के कारण जो है वो जंडिस की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, कोई भी बीमारी जो होता है वो खान पान के जरिए होता है। खान पान अगर कंट्रोल से नहीं करेंगे तो हमारे पास से बीमारी बिल्कुल नहीं जाएगी, इसीलिए जरूर खान पान पर ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें बने रहें।